तो गाइस यहाँ पर बहुत सारे मेरे भाई लोग को ये प्रॉब्लम आ रहा है मॉर्फो डिवाइस के लेकर के, क्योंकि जब वो पीएम किसान सम्मान निधि योजना में जब पीएम किसान ईकेवाईसी कंप्लीट करने जा रहे हैं तो वहाँ पर जब भी कमांड देते हैं मॉर्फो डिवाइस में कैप्चर करने के लिए तो वहाँ पर मॉर्फो डिवाइस जो है उनका बिलिंक नहीं करता है, मॉर्फो डिवाइस में लाइट नहीं चलता है और इस बात को लेकर के काफ़ी परेशान हो जाते हैं। और परेशान हो भी क्यों ना, क्योंकि जिसके ऊपर ये परेशानी पड़ती है उसी को समझ में आता है। तो गाइस आप लोग को यूट्यूब पर बहुत सारे हज़ारों वीडियोज़ मिल जाएंगे इसके बारे में कि मॉर्फो को कैसे सेटिंग करें, लेकिन गाइस वो आलतू फालतू इधर उधर का सेटिंग बता करके आप लोग का टाइम और वक्त जाया करते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो में आप लोग को बताने वाला हूँ कि कैसे आप लोग इस प्रॉब्लम को फिक्स कर सकते हो और इस और एक्चुअली में रीज़न क्या है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम आप लोग को देखने को मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं यहाँ पर आधार नंबर फिल करके और मोबाइल नंबर फिल करके OTP फिल करके यहाँ पर जैसे ही अगर कहीं मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो जो मेरा डिवाइस हो ब्लिंक होता ही नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जब यहाँ पर मैं क्लिक करता हूँ तो कमांड जो है मेरे डिवाइस में जाता नहीं है और डिवाइस में जाता नहीं है, इसलिए यहाँ पर मेरा डिवाइस जो है ब्लिंक करता नहीं है। दोस्तों आप लोगों ने ई श्रम कार्ड तो ज़रूर बनाया होगा, ई श्रम कार्ड तो बनाते समय आप लोग को ये प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा और अभी भी अगर आप ई श्रम कार्ड बना रहे हो तो वहाँ पर फटाक से आपका डिवाइस जो है ब्लिंक कर जाता है और लेकिन ये पीएम किसान सम्मान निधि योजना में आपका डिवाइस जो है ब्लिंक नहीं कर रहा है। तो मैं आप लोग को बता दूँ कि देखो हर एक वेबसाइट के लिए जो सिस्टम होता है, कहने मतलब जो डिवाइस कनेक्टिविटी होती है स्कैनर डिवाइस, वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर जब आप लोग ई श्रम बना रहे थे तो उस समय आप लोग ने फटाक से ड्राइवर इंस्टॉल कर दिया और आपका जो ई श्रम से आपका डिवाइस कनेक्ट हो गया और वहाँ पर आपका डिवाइस जो है ब्लिंक करने लगा। लेकिन यहाँ पर जो हम लोग देख रहे हैं पीएम किसान सम्मान निधि योजना में, यहाँ पर जो मॉर्फो है वो यहाँ पर इजीली कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो उसके लिए हम लोग मतलब दो तरीके से इसे जो है कनेक्ट कर सकते हैं। पहला नंबर कि आप लोग सेटिंग करके कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो आज के इस वीडियो में आप लोग को एक दूसरा मेथड एक्सटेंशन के बारे में बताने वाला हूँ, ठीक है, कि आप एक्सटेंशन का यूज करके कैसे कर सकते हो। क्योंकि देखो एक्सटेंशन का जो इसमें मतलब कनेक्ट होता है ना डिवाइस, वो काफ़ी बेहतर होता है, इसलिए मैं आज की इस वीडियो में एक्सटेंशन के ऊपर ही बताने वाला हूँ कि आप एक्सटेंशन के जरिए किस तरीके से मॉर्फो डिवाइस को कनेक्ट कर सकते हो, सेट कर सकते हो। और जो रही बात सेटिंग के बारे में तो नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा आप लोग को, ठीक है। तो सिंपली उसके लिए आप लोग अपना जो है गूगल क्रोम ओपन कर लीजिएगा। तो यहाँ पर मैं अपना दूसरा टैब ओपन करता हूँ, दूसरे टैब में ओपन करने के बाद जो है मैं अपना गूगल क्रोम ओपन कर लूँगा यहाँ पर। तो आप लोग को जो सेटिंग के बारे में है नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा, उसके लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और अभी आप लोग का जो डिवाइस है मैं लाइव प्रूफ आप लोग को दिखाने वाला हूँ, मतलब कि मेरा डिवाइस कनेक्ट हुआ जला कि नहीं जला, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो कि आप लोग जो है गूगल क्रोम अपना ओपन कर लेना, इसके बाद यहाँ पर सर्च करना है कोड प्लग, ठीक है। गाइस ये एक प्रकार का एक्सटेंशन है जो कि पीएम किसान सम्मान निधि योजना की वेबसाइट को जो है कनेक्ट करता था। यहाँ पर देख सकते हो सपोर्टेड वेबसाइट पर यहाँ पर सेकंड नंबर पर है पीएम किसान, तो सिंपली इस पर क्लिक करेंगे और ये पीएम किसान का एक्सटेंशन है। तो एक्सटेंशन को यहाँ पर देख सकते हो कि ऐड एक्सटेंशन इन क्रोम पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर जब इस पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा टाइम लेगा, इसके बाद यहाँ पर ऐड क्रोम पर क्लिक कर देंगे, इसके बाद चेकिंग यहाँ पर लिखेगा। चेकिंग लिखने के बाद ये थोड़ा सा टाइम में भी ले सकता है क्योंकि 1 MB का ये एक्सटेंशन है। तो इसके बाद यहाँ पर ओके कर देंगे और यह इसके बाद यहाँ पर देख सकते हो कि ऊपर में जुड़ चुका है, तो इस पर पिन कर देंगे हम, ठीक है। यहाँ पर पिन करने के बाद जो है हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर बैक करेंगे, बैक करने के बाद जो साइनअप का आइकन दिख रहा है साइनअप पर क्लिक करेंगे और इसके बाद यहाँ पर आप लोग अपना बेसिक डिटेल दे देंगे, जैसे कि आपका नाम दे देंगे, अपना जो है एड्रेस दे देंगे और यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर दे देंगे, ठीक है। बेसिक डिटेल कहने का मतलब यहाँ पर आप लोग अपना दे देंगे, ठीक है। यहाँ पर गाइस क्या है कि आपको देखिए कुछ पेमेंट करना होगा पीएम किसान इस सम्मान निधि योजना के लिए, आपके डिवाइस को इसमें जो है कनेक्ट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर पेमेंट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, बहुत ही कम है और इजीली आप लोग पेमेंट कर सकते हो। और पेमेंट करने के बाद आप जो है पीएम किसान सम्मान निधि योजना में लोगों का ईकेवाईसी कंप्लीट कर सकते हो, ठीक है। क्योंकि इसके बाद जो है आपका डिवाइस कनेक्ट हो जाएगा। मैं आप लोग को लाइव दिखाऊँगा भाई कि आप लोग देख लो आप मेरा डिवाइस जो है जल रहा है कि नहीं जल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर सब कुछ करने के बाद सिंपली आप लोग सबमिट पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो प्लान आप चूज कर लीजिएगा कौन सा प्लान चाहिए। जैसे आप सबमिट पर क्लिक करेंगे तो आप लोग के सामने जो पेमेंट का गेटवे यहाँ पर दिख जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर फिलहाल मैं 1 मंथ का ही यहाँ पर ले रहा हूँ 75 रुपये का। तो यहाँ पर जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा आप लोग को माफ़ कीजिएगा, थोड़ा मुझे सर्दी है तो यहाँ पर थोड़ा सा आप लोग को टाइम लगेगा, ठीक है। सबमिट पर क्लिक करेंगे तो इसके बाद आप लोग के सामने कुछ इस तरीके का पेमेंट आ जाएगा। यहाँ पर आप गूगल पे फ़ोनपे किसी तरीके से भी QR स्कैन करके पेमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए मैं फटाक से पेमेंट कर देता हूँ। तो मैंने अपना फ़ोनपे
ओपन किया तो यहाँ पर देख सकते हो कि मैं पेमेंट कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देख सकते हो कि जो ऑर्डर है मेरा मैंने दे दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर मैं मॉर्फो डिवाइस यूज कर रहा हूँ, तो मैंने ऑलरेडी पहले ही अभी जो सीरियल नंबर मांगा गया था तो यहाँ पर मैंने मॉर्फो डिवाइस का जो है सीरियल नंबर दे दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर आप भी दे दीजिएगा तो इसका स्टेटस आप लोग चेक कर सकते हैं। यहाँ पर जो है अपने डिवाइस का सीरियल नंबर डाल देंगे जो इसका यूज अभी आप लोग पीएम किसान सम्मान निधि योजना में ई केवाईसी कंप्लीट करने के लिए कर रहे थे, ठीक है। तो सिंपली चलिए यहाँ पर मैं अपना जो भी है डिवाइस का सीरियल नंबर दे दे रहा हूँ और फिर मैं यहाँ पर देखता हूँ कि मेरा जो डिवाइस वो एक्टिव हुआ या फिर नहीं हुआ, ठीक है। तो यहाँ पर मैं अपना डिवाइस का जो सीरियल नंबर है दे दे रहा हूँ, इसके बाद सबमिट पर क्लिक करेंगे, ठीक है। और जैसे सबमिट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर देख सकते हैं डेट टाइम पूरा सब कुछ दिया है और मेरा जो डिवाइस है वो एक्टिव हो चुका है, ठीक है, एक्सटेंशन मेरे इस डिवाइस के लिए, ठीक है। तो यहाँ पर आप लोग आ करके आप लोग देख लीजिएगा, चेकआउट कर लीजिएगा अच्छे से ताकि आप लोग को पता चल जाएगा कि आपका डिवाइस कनेक्ट हुआ या फिर नहीं हुआ। इसके बाद मैं चलिए मैं फिर से वहीं पर चलता हूँ जहाँ से मैंने शुरुआत किया था। तो सिंपली यहाँ पर जो मॉर्फो कैप्चर आप लोगों को सेकंड नंबर पर दिख रहा है तो सिंपली उस पर क्लिक करेंगे और क्लिक करने के बाद थोड़ा सा ये टाइम शायद से लेता है, अभी तक डिवाइस लिंक नहीं कर रहा है। तो मैं आप लोग को जो है इसका वीडियो आप लगा दूंगा, इसी पर आप लोग देख लेना दूसरे मोबाइल से रिकॉर्ड करके। तो यहाँ पर मैं यहाँ पर देख सकते हो आप लोग कि मेरा जल चुका है यहाँ पर, तो मैं इसको लगा दूंगा इसमें, ठीक है। तो वीडियो आप लोग देख लेना, इसमें मैं लगा दूंगा कि मेरा डिवाइस यहाँ पर जल चुका था। सिंपली थंब लगा लेना यहाँ पर, तो देखिए मेरा तो यहाँ पर पीएम किसान सम्मान निधि योजना से मेरा पेमेंट मिलता नहीं है इसलिए मैंने थंब यहाँ पर लगा दिया है, ठीक है। लेकिन मेरे को उससे कुछ हुआ नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग का डिवाइस जो है ब्लिंक कर सकता है और आप लोग का लाइट भी जलेगा, ठीक है। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आएगा, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। हम लोग मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नए सोल्यूशन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।